world on my shoulder, heart full of blues out in the dirt. Good morning, people. Welcome back to the channel. My name is Anirudh. You're watching Ruby Shoots, and thank you so much, so much for your responses on Ladakh series. बहुत अच्छी गई है हमारी लद्दाख सीरीज एंड बिकॉज ऑफ यू गाइज ओनली द चैनल इज मोनेटाइज्ड और अब हम जा रहे हैं एक नई जर्नी की तरफ और आज हम निकल रहे हैं आगे कसौल और कसौल में क्या है, क्यों जा रहे हैं, क्यों प्लान बनाया और मोनेटाइजेशन के बाद हम कसौल क्यों गए, उसके लिए मैं सारी स्टोरी आपको आगे बताऊँगा। लेकिन पहले हम चलते हैं अपनी बाइक पर, सारा सामान लोड कर लेते हैं और आई थिंक ये ट्रिप प्रॉब्ली 20 डेज के आसपास होने वाला है कसौल में, सो स्टे ट्यून्ड और अभी चलते हैं बाइक पर, बाकी बातें हम करते हैं बाइक पर आपके साथ। तो सामान सारा हम कर चुके हैं पैक, ये बाइक हो चुकी है रेडी इस पर और इस बार की ट्रिप में जो है पूजा और उमेर नहीं है तो प्रिंस जो है प्रिंस को हम कुरुक्षेत्र से पिक करेंगे। टेम्परेचर अभी हो रहा 27 डिग्री, दो दिन से मौसम दिल्ली का बढ़िया हो रखा है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। तो लाइन लग रखी है यार, फुल करना अभी ऑटो कट पर। क्या चल रहा है यहाँ पर अभी, कितना है, 96 ना होने का भी। क्या होगा, परेशान कैसे आप? टेस्टिंग होगी, स्टॉक चेक होगा। अच्छा, हमने टाइम पे फ्यूल बढ़ा लिया यहाँ पे, एक्चुअली पेट्रोल पंप की जो है टेस्टिंग हो रही है और लास्ट बाइक मेरी है, इसके बाद किसी को इन्होंने भरने नहीं दिया तो हम बहुत सही बहुत टाइम पे आ गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है 28 डिग्री। अब यहाँ से निकलना है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से प्रिंस से पिक करना है प्रिंस को, बिकॉज पूजा और उमेर जो है इस बार ट्रिप पे नहीं आ पाएंगे, हमारे रुद्र शूट्स के मेंबर, बाकी लोग ये ऑलरेडी नो, सब लोग जॉब प्रोफाइल में हैं। मैं अभी फॉर नाउ जो है यहाँ से निकल रहा हूँ और हमारा सीन ये है कि हम, वैसे तो मैंने प्लान किया था सोलो राइड हो जाएगी बट प्रिंस वॉज इंटरेस्टेड, प्रिंस को चलना था इस ट्रिप पर, तो अब प्रिंस का भी सीन बन गया तो बाइक खाली जा ही रही है मेरी, पीछे मतलब कोई है नहीं तो वी थॉट वाई नॉट टेक हर। तो ये बेसिकली सिर्फ कसौल कसौल का नहीं होगा, दिस वुड बी 2-3 डेस्टिनेशंस जहाँ पे हम ट्रैक भी करेंगे, कुछ शूट्स भी करेंगे एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ट्रेवोरा, सो ट्रेवोरा जो है हमारे स्पॉन्सर हैं, सारा स्टे उनकी तरफ से होगा, सो वहाँ पे स्टे वगैरह और देखते हैं कुछ चीज़ें हैं, बाकी आगे आपको धीरे धीरे पता लग जाएंगी कि कैसे कैसे हम क्या जा रहे हैं। टाइम जो है एग्जैक्ट 6 बज रहा है और 5:45 के करीब हम निकले थे, पेट्रोल पंप पे हम 5:50 के आसपास थे तो 10 मिनट हुए अभी निकले हुए। सूर्य देवता देखो यार, सूरज क्या क्या सूरज उगा है आज। हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी सी हो रही है, वाइजर पे धुंध आ गई है, धुंध। प्रिंस हमें मिल चुकी है यहाँ पे और प्रिंस के भाई ने ड्रॉप किया प्रिंस को। चलो बाय 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 बाय। अब यहाँ से निकलते हैं आगे और बढ़ते हैं यहाँ से, मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना, क्या तो अभी बढ़ते हैं आगे, कहीं बैठ के खाएंगे आगे का दिखाते हैं। गोप्रो मैंने निकाल के रख लिया है क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, मैं रिस्क नहीं ले सकता गोप्रो का, तो वो निकाल के हम रख चुके हैं। अभी चलते हैं आगे, आगे का देखते हैं, कहीं पर बैठेंगे, कहीं रुकेंगे, खाएंगे और फिर बढ़ते हैं। तो प्रिंस को पिक करने के बाद करीब 100 किलोमीटर हम और चल चुके हैं और ये आई थिंक लवली वैष्णो ढाबा है कोई, तो यहाँ हम रुक गए थे और ये जो है थोड़ा सा सुनसान वाला पैच आ जाता है जब चंडीगढ़ वाले रूट पर अगर आप जाओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है हमारे साथ, हम जब खाना खा रहे थे तो एक बंदा था वो काफ़ी देर से ना हमें मतलब कंटिन्यूसली घूर रहा था, तो उसने हमारा ये बैग शायद ब्लेड से फाट, इसका कवर फाड़ के अंदर देखने की कोशिश की है कि इसके अंदर कोई सामान है या नहीं, तो ये रहा। तो जिसने बाद में मैंने और प्रिंस ने इस पर हमने सेफ्टी पिंस लगा के इसको लॉक कर तो दिया बट फिर भी देखो इतना फटा हुआ है और ये बहुत बारीक कटा है, ऐसे कभी कोई कवर फट नहीं सकता। तो जब हम आए उतरे हमने बैग चेक भी किया था, सब कुछ कुछ नहीं था, बट जब हम खाने के लिए वहाँ पे बैठे तो वहीं पे बैठा हुआ था, वहाँ से पीछे से आया और आई थिंक चलते हुए उसने एक बार चेक किया कि ऊपर शायद कोई ज़िप है तो निकाल ले, कुछ निकाल नहीं पाया और बैग भी इस तरीके का है कि उसमें ऊपर कोई ज़िप्स है नहीं, तो बच गए हम सेफ थे। आप भी ध्यान रखना कभी भी अगर ऐसे आते हो, स्पेशली अगर आप सोलो या अकेले एक बाइक लेके आए हो तो बाइक का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वो हमें घूर रहा था, हमें लग भी रहा था बट हमने थोड़ा सा और अगर हम केयरफुल होते तो शायद फाड़ भी नहीं पाता। तो एक नुकसान जो है हमारा और हुआ है और वो है ये, तो टेम्परेचर सेंसर है हमारा, जैसे मैंने बोला था कि पानी चला गया था इसके अंदर बारिश में, तो मैंने बेचारे की बहुत ज़्यादा जान ले ली, ना इसको वाटरप्रूफिंग के लिए मैंने टेप लगाया ना कुछ किया, अब देखो ये रीडिंग बेचारा दिखा नहीं पा रहा है, तो उसका सेल आई थिंक जो है उसमें पानी चला गया। चलते हैं आगे, कहीं अगर कुछ मिलता है शॉप पे रुक के इसके लिए सेल वेल लेंगे, क्योंकि
मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि क्या टेम्परेचर दिखा रहा है। अब वो दिखाएगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। एटी किलोमीटर्स का जो है रास्ता रह गया, तो हमने भूख लगी थी तो हमने यहाँ पे एक स्टॉप लिया है। दिस इज़ विजय ढाबा और जो यहाँ के ओनर हैं वो है हमारे विजय भाई। तो मुझे यहाँ का मतलब अच्छा लगा, जो फूड एंड ऑल जो भी चार्जेस हैं आप अगर आओगे बहुत अच्छे इफेक्टिव रेट पे आप यहाँ ले सकते हो। तो आपको विजय भाई यहाँ पे मिल जाएंगे ग्रीट करने के लिए। रूट पे ही है, जब आप आगे निकलते हो यहाँ से कसौल वाले रूट पे, तो बिलासपुर क्रॉस करने के बाद ही आपको ये मिल जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन जो है मैं वीडियो का पिन करके डाल दूंगा। बाकी चलते हैं आगे और आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ और फिर वहाँ पे कसौल पहुँचते हैं फटाफट से। सो वी आर राइट नाउ इन होटल मून रेस्टोरेंट और यहाँ पे हमने एक स्टॉप लिया है एंड दिस इज़ द व्यू। और यहाँ से जो बाहर का व्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द एक्चुअल व्यू। तो ये एक्चुअली जो आगे पंडो डैम है उसका ये सारा पानी है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो कभी भी अगर आप आते हो तो इस पार्ट पे जो है आप यहाँ आ सकते हो और आकर के एक स्टॉप ले सकते हो। सो दिस इज़ अ यू नो वेरी नाइस प्लेस और जो भी चार्जेस एंड ऑल होंगे मैं आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेन वाइल आगे चलते हैं कसौल की तरफ और आपको बताते हैं आगे का जो भी है। सो वी हैव फाइनली रीच्ड मिनी इसराइल। सो दिस इज मिनी इसराइल यूनिट ऑफ ट्रेवोरा। तो ट्रेवोरा के हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हाय हाय अंकुश। सो फाइनली द टाइम इज 10:43 और हम आ चुके हैं मिनी इसराइल। सो दिस बैकग्राउंड विच यू आर वॉचिंग राइट नाउ दिस इज ऑफ मिनी इसराइल जो दिस इज अ यूनिट ऑफ ट्रेवोरा। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं एंड दीज आर द पीपल अवेलेबल। हेलो। तो ये लोग जो है मैनेज करते हैं मिनी इसराइल को, तो संदीप भाई और किरण। राइट। सो ये अवेलेबल है, आप यहाँ आ सकते हो और बहुत ही मतलब सूदिंग एनवायरनमेंट है। आई रियली लव दिस प्लेस। मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कसौल का। और अभी सीन ये है कि फॉर नाउ लेट्स सी कुछ खाते हैं यहाँ पे और कल का देखते हैं कल का क्या प्लान होगा आगे का। और रात में एक व्लॉग भी एडिट करना है पिछला वाला लद्दाख सीरीज़ का जो हमारा पेंडिंग है, तो वो भी आपको जल्द मिल जाएगा चैनल पे। फॉर नाउ लेट्स सी साइनिंग ऑफ टू टुडे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है कर देना। कमेंट में कोई सजेशन है तो प्लीज़ 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 मुझे बता देना, दैट हेल्प्स मी अलॉट। कोई और ट्रिप है जो आप चाहते हो मैं कवर करूँ, अगर आपको चाहिए कोई भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज तो मुझे एक बार बता देना कहाँ की प्लान करें नेक्स्ट। बाकी देखते हैं, लेट्स सी। बाय बाय, टेक केयर।